संगत जीओ आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार सिमरजीत सिंह बैंस भाई जी मखू साहब ते सारिया शख्सियतां सारिआं नूं जी आया कहिंदे आ। मैं गल असी रोज़ ही गल करते हैं दिल दीआं गल्लां ही सांझीआं करते हैं। सो दो चार गल्लां करनियां सी। असी आपदे इतिहास की गल करते हैं इस खिते दे इतिहास की पंजाब दे इतिहास की साढ़े देश दे इतिहास की साढ़े सिद्धांत की साढ़े फलसफे की गल करते हैं। तो जदों लड़ाइया तो संघर्ष विढ़े जाते असी जज्बा लैके अगे आने पर किसी सिद्धांत तो पैदा होया हुंदा किसी फलसफे तो पैदा होया हुंदा। सो साडा सिद्धांत तो साडा फलसफा की आ। साडा फलसफा 900 साल की गुलामी नूं जिन्हें चैलेंज किया सी गुरु नानक साहब का फलसफा जिन्होंने 900 साल की गुलामी नूं चैलेंज करके यह संदेश दिता सी भी साडे फैसले असी खुद करांगे साडे फैसले ईरानी दुरानी या कोई अफगानिस्तानी नहीं करनगे असी आप करांगे इस खेते दे लोग करनगे। असी धार्मिक तौर पर सभ्याचारक तौर पर समाजिक तौर पर जिहड़े फैसले करांगे वह असी आप करांगे। हुण जे असी उस सिद्धांत नूं भुल जाइए जिस सिद्धांत ते फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहरा दिता तो शहीदी दिती इस देश दे लोकां लई। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने पहरा दिता तो अकाल श्री अकाल तख्त साहब साडी आजादी का प्रतीक साढ़े सामने खड़ा। मैं कल्ली पंजाब की गल नहीं करता मैं यूनियन ऑफ इंडिया की इस खिते की इस जिन्हों अज हिंदुस्तान कह रहे हैं ये उस हिंदुस्तान की गल कर रहा। जे उत्थों दे इतिहास नूं असी श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुरबानी तो उन्होंने जिहड़ी उन्होंने हकूमत नाल टक्कर लई उस इतिहास तो बिना कल्पांगे तो नहीं कल्पिया जा सकता उस फलसफे तो बिना कल्पांगे तो नहीं कल्पिया जा सकता। दसवें पातशाह की कुरबानी दसवें पातशाह की उस सिद्धांत ते पहरे देंदे हुए साढ़े देश लई ते साडी कौम लई उस कुरबानी तो बिना जे असी कल्पिया इस पंजाब नूं या इस देश नूं या साडे इतिहास नूं कल्पिया जा सकता तो मैनूं लगता नहीं कल्पिया जा सकता। हुण जदों असी कोई संघर्ष लड़दे हां जदों कोई लड़ाई विड़दे हां वह किसी ना किसी फलसफे ते खड़ी हुंदी आ। साडा इतिहास उस फलसफे तो ही निकलिया साडा इतिहास किसी कम्यूनिस्ट फलसफे तो किसी सोशलिस्ट फलसफे तो किसी रशियन रेवोल्यूशन तो किसी अमेरिकन फलसफे तो या अमेरिकन रेवोल्यूशन तो नहीं निकलिया। सो जदों अज असी लड़ाई लड़नी आ यह तय करना भी साडा सिद्धांत की आ साडा फलसफा की आ साडा पहला फर्ज बन जाता। उदू पहली गल लड़ाई लड़ के असते खिलाफ रहे हैं उस धिर के खिलाफ रहे हैं जिन्होंने अज स्पष्ट रूप से प्रतख रूप से यह गल ऐलानती भी असी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। फिर असी कित्थे जाइए फिर बाकी दियां घट गिनतियां कित्थे जाण फिर साडियां दस्तारां असी खंडे बाटे की पौल साडा इतिहास साडे तख्त साडे गुरु साहिबाना दे फलसफे वह कित्थे जाण। फिर जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन तुसी सिरजी आ डॉक्टर बी आर अंबेदकर की लिखी हुई कोट इत्थे साडे सामने आ इहदे च लिखा होया इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट। फर्स्ट बर्न टू बर्न इट वॉट डज इट मीन इहदा मतलब यह आ भी जे कितें किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज की तो मैं पहला बंदा होऊंगा जिहड़ा बर्न करूँगा। जे असी इस संविधान की इस कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं तो जो हिंदू राष्ट्र का सानू फलसफा देंदे आ ये वह तो ये स्पष्ट रूप से विरुद्ध आ फिर असी क्यों ना उस सिस्टम नू चैलेंज करिए। हुण जदों गुरु साहिबान के सिद्धांत गुरु नानक साहब के सिद्धांत उन्होंने फलसफे से चलते हैं उन्होंने रियायतों की मांग नहीं की सी उन्होंने हकूमतों ललकारिया सिस्टम ललकारिया दसवें पातशाह ने नौवें पातशाह ने दसवें पातशाह ने हकूमतों ललकारिया सिस्टम ललकारिया वंगारिया साढ़े तो गलती कित्थे हुई और उस इतिहास ने सानू राज दिता सी साढ़े च सोवरनिटी दिती सी सानू एक स्टेटहुड दिता सी साढ़े च पातशाही दावा सानू दिता सी
पर गलती कित्थे हुई, गलती साढ़े तो हुई जदों असी संघर्ष विड़दे हाँ, लड़ाइया लड़ते हाँ, असी हकूमत नूं या सिस्टम नूं नहीं ललकारदे, असी खैरातां मंगदे हाँ। अज भी जदों 1960 च ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तुसीं उस वेले दे एडिटोरियल पढ़ के देख लो अखबारां च आए हुए, स्पैशली पंजाबी ट्रिब्यून च, या उस वेले जिहड़ियां जदों इत्थे कोई अखबारां चलदियां सी उहदे च इंटलैक्चुअल, उस वेले दी इंटलैक्चुअल क्लास ने या बुद्धिजीवियां ने या जिहड़े पंजाब दे नाल लोक साढ़े लोग इस धरती वफादारी निभाते, उन्होंने प्रतख रूप से यदा विरोध करके ये लिखा से भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन के नाल इतों इंटलैक्चुअल क्लास चली जाऊगी, प्रवास होने लग जूगा, तो पंजाब आपदे फलसफे तो आपदे सिद्धांतों तो भटक जूगा, पंजाब का वातावरण एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत बड़ा वध जूगा। ये जिहड़ा 10-25 साल तक तो सानू बहुत कुछ देना, पर उदू बाद जदों अगले कॉन्सीक्युएंसिज या सिट्टे सामने आएंगे वो बहुत भयानक होंगे, असी उत्थे ही खड़े हाँ। उस वेले भी असी रियायतों की मांग करते रहे, एक पीढ़ी किसानों की खत्म होगी आपकी खेती दियां उपजां दे लाहेवंद भाव मंगदी मंगदी। अद्धी कि सदी पहला किसान जथेबंदियों के आगुआ ने किसानों के हकों या उन्होंने शोषण के लिए आवाज़ा बुलंद करनिया शुरू कीतियां, पर मांगते की रहे रियायतों ते खरातां। इतिहास या फलसफा की कहिंदा साडा सिस्टम, सिस्टम नूं चैलेंज करो, बीमार नूं नहीं बीमारी नूं पट्टो, उहदी जड़ नूं पट्टो। अज असीं इत्थे बैठे क्यों हाँ, इस करके इस गल नूं ही समझ के बैठे हाँ, इत्थे असीं बीमार नूं नहीं पट्टना, इह तां लक्षण आ जिहड़े ऑर्डिनेंसिस आ रहे आ, इह पैदा कित्थों हो रहे आ, उस बीमारी नूं पट्टीए, साडे लई साडी खुदमुख्तियारी मंगीए, आपदे फैसले आप करन दा हक मंगीए, साडा हक आ इह। जे असीं आपदे हकां नूं नहीं समझांगे फिर मंगां की रख सकांगे। सो पहली गल जिहड़ी सानूं समझनी आ कि इस फलसफे नूं लैके लड़ाई लड़ी जानी चाहीदी आ। अगली गल, साडा दुश्मन कौन आ, किस दुश्मन नाल मत्था लाई बैठे हाँ। दुश्मन अज ओ तेरा जिहड़े दे कोले हौमे आ, एडा वड्डा हंकार आ आपदे उस राज दा, आपदी सरकार दा, ते जिहड़े सिस्टम नूं उह चलाई जांदे आ, इहदा प्रतख रूप च साडे सामने रीसेंट एग्जाम्पल आ। साडी किसान जथेबंदियां ने इह गल सोची भी चलो टेबल टॉक कर लैंदे आ, जाके उन्हां दे नाल जाके बहिंदे आ, पर कीता की उन्होंने ह्यूमिलेट किया, सानू भरम पैदा हो गया सी भी असी बहुत बड़ा दबाव बना बैठे हाँ उन्हां ते किते, पर वो भरम टुटिया जदों जाके टेबल ते बैठे, वो भरम टुटिया, भरम टुटिया ते साडे जथेबंदियां दे आगू हर्ट होए, हर्ट होए ते उत्थे जाके नारे भी लाउण लग गए ते बिल भी फाड़न लग गए। इहदा मतलब सानू साडे दुश्मन की समझ ही नहीं, उहदा ह्यूमिलेट करदा, हंकारी आ, उन्हां नाल लड़ाई किवें लड़नी आ सानू पहला तय करना पऊगा, लड़ाई पहला तय करके जित्ती जांदी आ फिर लड़ी जांदी आ, जे असी सीधा जाके लड़न लग जाइए तो जितण दी आस करिए फिर तो नहीं जित सकते। सो दूजी गल, असी कहिंदे आ हमेशा ही आपां इह कहिंदे आ इकट्ठे होइए, ये बहुत वधिया गल आ इकट्ठे होइए, पर पोलीटिकल एजेंडे नूं छड के इकट्ठे होइए, जे पोलीटिकल एजेंडे नूं रख के इकट्ठे होवांगे तां उहदा डिवाइड करूगा, असी इकट्ठे नहीं हो सकते कदे भी। जे लड़ाई लड़नी आ पोलीटिकल एजेंडिया नूं पासे रख दिए, विचारां दे वखरेवियां नूं पासे रख दिए, फिर इकट्ठे होइए, उहनूं कहिंदे असी इकट्ठे हो के लड़ाई लड़ रहे हाँ। एक लड़ाई इस मोर्चे तो लड़ी जा सकती आ, एक लड़ाई बठिंडे दे मोर्चे तो लड़ी जा सकती है, एक फरीदकोट दे मोर्चे तो भी लड़ी जा सकती है, पटियाले दे मोर्चे तो भी लड़ी जा सकती है, पर इह सांझी लड़ाई मिथी जाऊगी। एक जगह बैठ के इकट्ठे हो के कदे भी मोर्चे, साढ़े इतिहास च भी एक जगह मोर्चे नहीं लगते होंगे, थां थां ते मोर्चे विढ़दे आ, थां थां तो लड़ाइया लड़ते हैं, इहदा मतलब यह नहीं असीं वखरे आ, असीं इकट्ठे आ, पर एक ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस आ जिहड़ा उस संघर्ष लई उस लड़ाई लई इह साढ़े दिलां च होना बहुत जरूरी आ। अगली गल, इकट्ठे होण दी एक इह वी आ, एक पासे साडा, इहदा मैं एक होर एग्जाम्पल दिंदा, एक पासे साडा कानूनी संघर्ष चल रहा होवे, एक पासे पोलीटिकल डिप्लोमेसी का संघर्ष चल रहा होवे, एक पासे असीं आपदा बिरतांत सिरज रहे होईए, आपदा नैरेटिव सिरज रहे होईए, क्योंकि सरकार साडे खिलाफ़ आपदा नैरेटिव सिरज रही आ, साडे भी इंटलैक्चुअल क्लास या साडे बुद्धिजीवी आपदा नैरेटिव सिरज के लोगों नूं जगा रहे होण, संघर्ष दे पड़ा हुंदे आ, वख-वख पहलू हुंदे आ, इन्हां सारिआं ते पहरा देणा बणदा। जिस दुश्मन नाल असीं लड़ रहे हाँ, ल मैं एक गल संगत सामने अज सांझी करनी चाहुंदा, उस दुश्मन ने जे कानूनी संघर्ष की गल करिए जिहदे ते असीं सिर जोड़ के ही नहीं बैठे, असीं तां आपदियां लत्तां खिंची जांदे हां एक दूजे दियां,
क्यों खिंची जाने मैनू आर एस एस का एजेंट बनाई बैठी आ वह गलों बाद देख लाँगे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाद ले लाँगे पर जिस धिर लड़ रहे हैं वह धिर एड्डी हंकारी आ एड्डी बड़ी हौमे आ उन्होंने जदों कोई कानून बनता तो एक पार्ली कोई भी बिल पास हों अज एग्रीकल्चर से कानून बनया खेती से बनया तो पार्लीमेंट्री कमेटी फॉर एग्रीकल्चर के कोल रिकमेंडेशन जाती है भी इस कानून से आपकी रिकमेंडेशन दो जिस हिसाब नाल सरकार नू मैं समझदा या उन्हां दी मानसिकता या तासीर समझदा उन्होंने उस कमेटी की रिकमेंडेशन अबल तो लई नहीं होनी जे लई आ तो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया होना जदों सुप्रीम कोर्ट जाके असी कानूनी लड़ाई लड़ांगे जे इन्हां चीज़ां ते असी रिसर्च करिए सुप्रीम कोर्ट च चाहे उन्होंने दस जज बैठे हो पर जे कि रिकमेंडेशन खता खाधी होने एग्जैम्पशन ना लई हो पार्लीमेंट्री कमेटी और एग्रीकल्चर की रिपोर्ट मन के वह सोध ना की हो बिलों तो सुप्रीम कोर्ट के जज की हिम्मत नहीं है भी साढ़े हक च फैसला ना दे तो इन्ह कानूनों स्टे ना करे तो जिस तरह जिस सरकार असी लड़ रहे हैं मैं 200% श्योर हाँ भी उन्होंने इतने कितने ना कि कोई ना कोई लक ही उन्हें पिया क्योंकि हंकार आ जड़ा जिहड़ी हौमे आ ये गल इन्हां चीज़ां नूं इग्नोर करके करदे आ इन्होंने तो देख लो मत किस तरह कानून पास कराए स्पैशल एक एक पार्लीमेंट का स्पैशल एक सैशन बुलाया जिथे कोई सवाल जवाब नहीं सिर्फ उत्थे कानून पेश किए पास होए लोग सभा च लोग राज्यसभा च पास होए तो प्रेजिडेंट ने असेंट देता आपका सो इहदे पिछे सानूं देखदा किड्डी वड्डी साजिश आ साजिश की आ पंजाब नूं जदों 1960 जे ग्रीन रेवोल्यूशन आया सी अज यह कानून आए आ विचारधारा एको ही आ भी इन्हां दे फलसफे नूं अज तां स्पष्ट रूप से साडे सामने करता जदों हिंदू राष्ट्र की गल करते भी तुसीं आपदे आप नूं जे वखरे कहोगे आपदे आप नूं जे विलक्षण कहोगे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आपकी क्लेम करोगे आपकी स्टेटहुड क्लेम करोगे आपकी सॉवरनिटी क्लेम करोगे या खुदमुख्तियारी क्लेम करोगे तो फिर इत्थे तुहानू रहण दा कोई हक नहीं तुसी जाओ कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया पर एक गल पंजाब समझ ले कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया साढ़े गयां दी इज्जत तां ही आ जे पिट ते साढ़े पंजाब खड़ा तां जिद्दे इत्थों पट्टे गए इत्थों खुर गए सब कुछ खुर जाणा मुड़ के किते साढ़े पैर नहीं लगणे सो जदों असीं इह कह रहे हां भी पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा इसलिए आपदे होंद दी लड़ाई लड़ रहे हां साडी धरती नालों सानू तोड़िया जा रहा सानू खोरिया जा रहा साडा इतिहास साडी मां बोली साडे पाणी साडा फलसफे गुरु नानक साहब का सिद्धांत ये छड़ के हुण असीं कित्थे जाइए फिर साडे पल्ले की रह जू यही जागदियां जमीरां वाले इत्थे बैठे आ मैनू माण आ थोड़े ते भी तुसीं इत्थे आके इस लड़ाई च शमूलीयत भी दित्ती आ इस लड़ाई च हल्लाशेरी ते हौसला भी दित्ता सानू पर ये मोर्चा जे असीं ये कह दिए भी किसी एक जने कल्ले दा या मैं इस मोर्चे दा मोढ़ी हाँ ये बहुत बड़ा झूठ आ ये साडा मोर्चा पंजाब दा मोर्चा सा पंजाब दे वारसां दा मोर्चा सो बाई जी तुसीं आए हो बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद माखू साहब तुसीं आउंदे रहिंदे हो जी ये बहुत बड़ी हल्लाशेरी आ क्योंकि इहो जिहियां शख्सियतां इन्हां नूं लोक सुणदे भी आ इन्हां दे विचारां नूं कंसिडर भी करदे आ और गल जदों इहो जिहियां शख्सियतां आके करदियां उन्हां नूं ऐं लगदा भी किसी सही दिशा वल किसी सही सेध वाल असीं जा रहे हैं संघर्ष लड़े जाते हैं पर पिछे भावना की हुंदी आ भी संघर्ष जिते जान वह भावना नूं असीं आपदे अंदरों तो नहीं कितें चुठला ही नहीं सकते सो साडी भी भावना यह आ भी संघर्ष नूं जितिए साडा राह दसेरा करो सानू हल्लाशेरी भी दो सानू हौसला भी दो ते संगत जदों आके सामने बैठी हुंदी आ ते उस वेले तां जदों फिर अंदरों जिहड़े फुरने आउंदे आ या गल्लां निकलदियां वह जमां रूहां दियां अंदर वालियां तहां चों निकलदियां मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार ते सत्कार ज्यौंदे वसदे रहो सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।